Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Satyo. I am Mrs. Anila Imran, and you are watching UV Educational Center. Waiting for Godot, ka text hai, aur waiting for Godot, Samuel Beckett ka likha hua ek play hai. Hum baat kar rahe thi, Estragon ko dekha humne, stage pe baitha hai, aur apna boot utalne ki koshish kar raha hai, aur isme nakam tha. Ab wo Estragon Vladimir ko kehta hai, why don't you help me? Iske aage hum chal rahe hain. Vladimir kehta hai, sometimes I feel it coming all the same. Toh wo apne hi khayalon mein gum hai, apne hi khwahishon mein khoya pada hai aur usme keh raha hai ki mujhe lagta hai ki sab cheeze aise lag raha hai ki jaise ek jaisi hi ho rahi hain. Then I go all queer, tab ye mere liye bahut ajeeb-o-ghareeb hota hai ya ajeeb-o-ghareeb kisam ki taqatein jo hain wo mujh pe haavi ho jati hain. और लगता है जैसे सब कुछ सेम चल रहा है. He takes off his head, वो अपना हेड उतारता है, peers inside, उसमें देखता है, feels about inside, उसके अंदर महसूस करता है, shakes it, उसे हिलाता है, puts it on again, और उसे दोबारा पहन लेता है. हर चीज के साथ s s s है, present indefinite में बात हो रही है. How shall I say, मैं कैसे कहूँगा, मुझे क्या कहना चाहिए, या मैं क्या कहूँ, क्या बात करूँ मैं. How shall I say, मैं कैसे कहूँ, relieved and at the same time. Relieved होता है आसानी हो जाना, आज़ादी पैदा हो जाना, किसी काम की easiness आ जाना. कह रहा है उसी ही वक्त में मुझे आसानी भी मिल जाती है. I कुछ कहने वाला है, search the words, सोच रहा है अल्फाज को. appalled, खौफज़दा, खौफनाक, with emphasis, फिर उस पर ज़्यादा जोर देता है. appalled, ज़्यादा खौफज़दा हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ जब किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता. He takes off his head again, peers inside it, दोबारा अपनी तो हेड को उतारता है, अपने टॉप को उतारता है और उसको फिर देखता है अंदर. फनी, बड़ी ही मजाकिया बात है, जोक के काबिल है. He knocks on the crown, ऊपर दस्तक देता है हेड के ऊपर वाले हिस्से पे, as though to dislodge a foreign body. Dislodge होता है बाहर निकाले, ऐसा लग रहा है कि किसी बैरूनी चीज़ को बाहर निकालना चाहता है, यानी चूंटी, कीड़ा मकोड़ा, कोई गंद बला या जो भी उसको इरीटेट कर रही है उसको बाहर निकालना चाहता है. Peers into it again, उसके अंदर दोबारा दिखता है. Puts it on again, दोबारा पहन लेता है. Nothing to be done, कुछ भी नहीं हुआ. Nothing to be done, कुछ नहीं बन सका, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया या अंदर से कुछ भी नहीं निकला. नथिंग टू बी डन, वही बात है जो एस्ट्रागोन ने इससे पहले कही है. एस्ट्रागोन विद द सुप्रीम एफर्ट सक्सीड्स इन पुलिंग ऑफ हिज बूट, वो बड़ी ही कामयाबी के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद के साथ, आला तरीन जद्दोजहद करता है और अपना जूता उतारने में कामयाब हो जाता है. ही फील्स इनसाइड, अब वो भी जूते के अंदर देखता है, फील्स अबाउट इनसाइड, उसके अंदर महसूस करता है. Turns it upside down, उसे ऊपर से नीचे की तरफ करता है, shakes it, हिलाता है. Looks on the ground to see if anything has fallen out, और ground पर देखता है कि शायद कुछ नीचे गिर जाए, क्योंकि उसको उसका जूता इरीटेट कर रहा था, इसको इसकी टोपी इरीटेट कर रही है. Finds nothing, कुछ नहीं पाता. Feels inside it again, दोबारा देखता है. Staring sightlessly before him, अब हैरत से ना देखते हुए उसकी तरफ कहता है, वेल तो मैं क्या कह रहा था. एस्ट्रागोन कहता है, नथिंग, तुम कुछ नहीं कह रहे थे. व्लादिमीर, शो मी, मुझे दिखाओ. अब चूंकि उसको दिखाना चाह रहा है कि पाँव दिखाओ या जूता उतारा है वो दिखाओ, एस्ट्रागोन कह रहा है, देर इज नथिंग टू शो, यहाँ दिखाने को कुछ नहीं. व्लादिमीर, ट्राई एंड पुट इट ऑन अगेन, दोबारा कोशिश करो, पहन लो इसे, दोबारा कोशिश करो. एस्ट्रागोन एग्जामिंग हिज फुट, अपने पाँव का मुशाहिदा करता है. अब यार इट फॉर बीट, मैं अपने पाँव को थोड़ी हवा लगवाऊंगा. व्लादिमीर, देयर इज अ मैन ऑल ओवर फॉर यू, यही इंसान की होती है हमेशा कोशिश, इंसान हमेशा यही करता है. देयर इज अ मैन ऑल ओवर यू, इंसान यही चाहता है कि तुम एक जो है ना, वो कह रहा है कि मैं अपने पाँव का हवा लगवाता, तो कहता है कि तुम एक टिपिकल किस्म के आदमी हो, तुम बड़े रिवायती किस्म के आदमी हो. अब तुम रिवायती किस्म के आदमी क्यों हो? ब्लेमिंग ऑन हिज बूट्स द फॉल्ट्स ऑफ हिज फिट, हालांकि पाँव का मसला है और वो इल्ज़ाम अपने जूते पर, अपने बूट पर लगा रहा है. इंसान का यही एटीट्यूड है कि इंसान अगर खुद भी बुरा होता है तो वो कहता है, नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, दुनिया ठीक है. ये पैराडॉक्सिकल सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, इसमें रिटोरिकल टेक्निक यूज़ करेंगे और इससे हमें इनके जो राइटिंग स्टाइल का वो पता चलेगा.
इंसान जो भी हो वो अपने आप को इल्ज़ाम नहीं देता अगर उसके कपड़े छोटे हो जाते हैं तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं मोटा या मैं मोटी हो गई हूँ, नहीं मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं, डैट्स चेंजिंग ऑफ द सिचुएशन। यही वो बताना चाह रहे हैं कि तुम बड़े रवायती किस्म के आदमी हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो अपने जूतों पर और मसला है तुम्हारे पैरों का। ही टेक्स ऑफ हिज हैट अगेन, फीयर्स इनसाइड इट, फील्स अबाउट इनसाइड इट, नॉक्स ऑन द क्राउन, ब्लोज इन टू इट, पुट्स इट ऑन अगेन। सेम वही रिएक्शन है, रिपीटेशन ऑफ द एक्शन है, रिपीटेशन ऑफ डायलॉग्स भी इसमें बहुत है। दिस इज़ गेटिंग अलार्मिंग, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है। अब इसको एक बात याद आई है कोई जो इसको टेरिबल किस्म की लग रही है, साइलेंस, चुप कर जाता है वो आदमी, डीप इन थॉट, वो बहुत गहरी सोच में है। एस्ट्रागन पुलिंग एट हिज टोज, वो अपने अंगूठों को खींच रहा है क्योंकि जूते तंग थे तो वो अंगूठे से दर्द कर रहे हैं। वन ऑफ द थीव्स वाज सेव्ड, अब जो उसको ये अलार्मिंग हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, उसको एक बात याद आ गई कि एक जो थीफ था वो बच गया, रुक गया, पॉज रुकेगा। इस ड्रामा में पॉज और साइलेंस बहुत आएंगे। इट्स अ रीजनेबल परसेंटेज, ये क्या सोचने की बात है, बड़ा ही मुनासिब चांस है, रुक जाता है, पॉज, गो गो। बताना ये चाहता है कि इंसान के पास जो चांस है, या तो वो गया जन्नत में और या वो गया दोजख में। एस्ट्रागन कहता है व्हाट, क्या कहा, क्योंकि वो इसकी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था। बोला दम सपोज वी रिपेंट, सोचो हम लोग तोबा कर लें, हम पछताएं, तोबा करें। Repented what? किस बात पर तौबा करें? Vladimir, oh, he reflects, वो सोचता है, we wouldn't have to go into the details. हमें ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहिए, ये man attitude है कि तौबा कर लो, अगर कोई गलती हो गई है तो इंसान को हमेशा तौबा करनी चाहिए। लेकिन Vladimir अब पूछना चाहता है किस बात पर तौबा करूँ, तो वो कहता है डिटेल्स में मत जाओ। Estragon, for being bones, हाँ पता लग गया, हमें अपने पैदा होने पर पछताना चाहिए, हमें पछतावा होना चाहिए कि हम पैदा क्यों हो गए। Vladimir ने बहुत ही डीप किस्म के डायलॉग्स बोल दिए हैं, और सैमुअल बेकर ने ज़्यादा जो मैनी डायलॉग्स हैं वो एस्ट्रागन के ज़रिए ही उगलवाए हैं। क्यों पछताएं? पछताने की डिटेल बताओ, अपने पैदा होने पर पछताएं। Vladimir ब्रिक्स इंटू अ हॉटली लव, बहुत ही ऊँची उसको जो है कहके लगाने वाली कंडीशन हो जाती है, विच ही इमीडिएटली स्टिफल्स, जिसे वो जल्दी से अपने आप को काबू पाता है, मेहनत से स्टिफल्स सख्त हो जाता है। हिज हैंड प्रेस्ड टू हिज पब्स, वो अपने हाथ को अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स पे रख लेता है क्योंकि वो हंसी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही और उसको प्रॉब्लम है, और उसको यूरिन का प्रॉब्लम है। हिज फेस कॉन्टॉर्टेड, अब उसका चेहरा जो है वो एकदम से दर्द से नज़र आने लगता है, दर्द से दोहरा सा हो जाता है। Vladimir कहता है one didn't even laugh anymore, एक शख्स ज़्यादा हंस भी नहीं सकता। ये भी बहुत बात उन्होंने डीप कर दी कि इंसान जो है वो ज़्यादा हो तो कहते हैं कि इतना हंस रहे हो, इतना हंस रहे हो तुम, ज़रूर बाद में रोने वाले हो, तो वही बात आ गई, वो कहता है इंसान इतना हंस भी नहीं सकता। Estragon कहता है dreadful privations, अल्लाह कितनी मुश्किल बीमारी है तुम्हारी, डिसेबिलिटी कितनी ज़्यादा है तुम्हें, इतनी प्रॉब्लम है कि तुम खुल के हंस ही नहीं सकते। Merely smile कहता है, बस मैं सिर्फ मुस्कुरा ही सकता हूँ। He smiles, वो मुस्कुराता है suddenly from ear to ear, बस इतना ही कि जैसे कान को ही सुनाई दे मुस्कुराने की आवाज़। Keeping smiling, हंसता रहता है। Ceases as suddenly, और जल्द ही वो रुक जाता है, सीज्ड हो जाता है, उसकी हंसी रुक जाती है। It's not the same thing, nothing to be done, कहता है कुछ मैं काबू नहीं कर पाया, अपनी हंसी को रोकना चाहता था लेकिन मैं उसको काबू नहीं कर पाया। और एकदम से वो दोबारा हंसने की कोशिश करता है, दोबारा अपनी बाँछें खोल कर हंसता है, और इस ज़ोर से हंसने पर वो अपने फ्रेंड को बताता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं यानी अपने आप पे काबू नहीं कर पाया। पोज, रुक जाते हैं, गो गो, गो गो एस्ट्रागन का नाम है। गो गो अब बहुत इरीटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है। What is it? क्या बात है? गोगो का बताने वाला है। Did you ever read the Bible? क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ी है? Estragon, the Bible? Bible? सोचने लग जाता है, रिफ्लेक्ट से सोचता है। I must have taken a look at it. मुझे बाइबल को ज़रूर देखना चाहिए। यानी इट्स मीन कि इसको अपने दीन का इतना इल्म नहीं है। अब Vladimir अब उसे बताने वाला है। Do you remember the Gospels? क्या तुम्हें गॉस्पल्स का पता है? गॉस्पल्स का चैप्टर है जिसमें इनकी क्रिस्ट की प्रिचिंग्स के नाम से है,
तो उसके बारे में उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा है, क्या तुम्हें गॉस्पल्स के चैप्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस कॉन्टेंट को जानते हो? एस्ट्रागोन का आगे से जवाब, आई रिमेम्बर द मैप्स ऑफ द होली लैंड, मुझे तो बस उस पर बने हुए होली लैंड के नक्शे याद हैं, कलर देवार वो बड़े रंगीन थे, वेरी प्रीटी, बड़े ही खूबसूरत थे, द डेड सी वॉज पेल ब्लू, वो जो डेड सी की उस पर पिक्चर बनी हुई थी वो जर्द नीले रंग का था, द वेरी लुक ऑफ इट मेड मी थर्स्टी, उस पर जब मेरी निगाह पड़ी तो उसने तो मेरी प्यास को बढ़ा दिया, मेरी तलब को बढ़ा दिया, लेट्स वेयर आई विल गो, वहाँ ही मैं जाऊँगा। इंसान को मरने के बाद ख्वाहिश यही होती है कि वो जन्नत में जाए, और दोजख की तो कोई भी ख्वाहिश नहीं करता है। यहाँ इसने देखा है, वो कलर्स देखे हैं डेड सी के और तस्वीरें देखी हैं, और ये ख्वाहिश कर रहा है कि मैंने वहाँ जाना है। आई यूज टू से, मैं ऐसा कहा करता था, दैट्स वेयर वी विल गो फॉर आवर हनीमून, ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने हनीमून के लिए जाएंगे। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है और उसने बहुत ही तमस्खराना अंदाज में कहा है कि इंसान यहाँ हनीमून पे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, लेकिन ये एस्ट्रागोन चूंकि मेंटली डिस्टर्ब है तो वो कह रहा, हाँ मैं वहाँ पर अपने हनीमून पे जाऊँगा। ये इंसान का एटीट्यूड है, और ये जन्नत और दोजख का जिक्र भी वो इसमें करना चाह रहा है, और मौत की बात है कि मरने के बाद इंसान क्या ख्वाहिश करता है। आगे एस्ट्रागोन अपनी ही वर्डली जो है ना डिज़ायर्स, उनको मिक्स करके होली डिज़ायर्स के साथ शामिल कर रहा है। वी विल स्विम, हम वहाँ तैरेंगे, वी विल बी हैप्पी, हम वहाँ खुश होंगे, वो आदमी रागे से उसे तंज कर रहा है, यू शुड हैव बीन अ पोइट, तुम्हें एक शायर होना चाहिए था। अस्ट्रागोन, आई वाज जस्ट टूवर्ड्स हिज रेजेस, अपने चीथरों वाले कपड़ों की तरफ इशारा करके बताता है, शायरों का हुलिया ऐसे ही होता है, यहाँ पर उसने पोइट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। इजंट दैट ऑब्वियस, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरे हुलिये से, मेरा हुलिया तो देखो, मेरी कंडीशन से साफ जाहिर नहीं हो रहा कि मैं शायर था। साइलेंस, दोनों खामोश हो जाते हैं। व्लादिमीर, वे वाजाई, मैं कहाँ पर था, हाउ इज योर फुट, तुम्हारा पाँव कैसा है। एस्ट्रागोन, स्वेलिंग विजिबल, देख नहीं रहे, सूजा पड़ा है। व्लादिमीर, आह यस द टू थीव्स, मैं था टू टू थीव्स की स्टोरी पर, वो जो दो थीव्स थे, डू यू रिमेम्बर द स्टोरी, क्या तुम्हें कहानी याद है दोनों थीव्स की, क्योंकि उसने तो बाइबल पढ़ी नहीं, उसे कहाँ से स्टोरी याद है। वो कहता है एस्ट्रागोन, नो। व्लादिमीर, शैल आई टेल इट टू यू, क्या तुम्हें बताऊँ। एस्ट्रागोन, नो, मत बताओ मुझे स्टोरी, ये हमारी दीनी दिलचस्पी होती है, हम किसी से दीन की बात सुनने में इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते। सफरुल्ला, व्लादिमीर आगे कहना चाह रहा है, इट विल पास द टाइम, चलो मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ, हमारा टाइम गुजर जाएगा, और ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म, कि एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले पर्सन अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद मुतय्यन कर लेते हैं, बेशक इन लोगों ने इंतज़ार का भी अपना मकसद बनाया हुआ है, और ये क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिज्म पर मुश्तमिल है। फोर्स रुक जाता है, टू थीव्स, दो चोर थे, क्रूसीफाइड एट द सेम टाइम एज आवर सेवियर वन, सेवियर वन कौन है, निजात दहिंदा, जिस वक्त क्रूसीफाइड हुआ इसी वक्त वो दो थीफ भी क्रूसीफाई किए गए। कहता है आवर व्हाट, आगे उसने सेवियर बोला था तो आवर हमारा, कौन कौन हमारा। व्लादिमीर, आवर सेवियर, हमारे निजात दहिंदा यानी क्राइस्ट, टू थीफ्स, ये जो दो थीफ्स थे, वन इज सपोज्ड टू हैव बीन सेव्ड एंड द अदर ही सर्च्ड फॉर द कंट्रेरी ऑफ सेव्ड, अब वो उसका सेव्ड का कंट्रेरी वर्ड ढूंढ रहा है कि उसके मुतनाजा उसे कोई लफ्ज मिल जाए, डैम्ड, लानती हो गया, दोजख रसीद हो गया। हमारे जो निजात दहिंदा थे, दो चोर थे उनके साथ, उनमें से फर्ज करो एक जो है वो बच गया, और जो दूसरा था वो बड़ी तलाश के बाद उसे लफ्ज मिला है, वो जहन्नम रसीद हो गया, जहन्नमी हो गया, एक यानी बच गया और एक जहन्नमी हो गया। ये भी ऐसा ही है कि इंसान जब सोचता है और अपनी नेकी और उनका लफ्ज तलाश करता है, अपनी नेकी और बुराइयों की अगर लगाएं तो हमें लगता है कि 50-50 चांस है यहाँ हेल का और हेवन का। 100% हम नहीं कह सकते कि भाई हम जन्नती हैं, और 100% हम ये भी नहीं कहते कि हम दोजखी हैं, 50-50 चांस पे बात रहती है। एस्ट्रागोन कह रहा है, अब सेव्ड फ्रॉम व्हाट, किस चीज से बच गया था वो। कहता है हेल, जहन्नुम से बच गया था। एस्ट्रागोन अब तंग आ गया उसके पास सुनकर, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही डज नॉट मूव, वो कहता तो है लेकिन हरकत बिल्कुल नहीं करता, और ये काफी मरतबा इस प्ले में होने वाला है, ये कहेंगे लेकिन हिलेंगे नहीं। व्लादिमीर कह रहा है, एंड जट, और उसी वक्त आगे बात कहते कहते रुक जाता है, हाउ इज इट, ये कैसा है।
दिस इज़ नॉट बोरिंग यू, क्या तुम परेशान तो नहीं हो रहे हो? आई होप, मुझे उम्मीद है. हाउ इज़ इट दैट द फोर इवेंजलिस्ट्स ओनली वन स्पीक्स ऑफ अ थीफ बीइंग सेव्ड? अब ये जो वहाँ पर बंदे थे, वो जो पादरी थे, इवेंजलिस्ट्स थे, जो मुबल्लिग थे वहाँ पर, वो बता रहे थे इनको दीन का. तो वहाँ पर चार किस्म के पादरी बैठे हुए थे, चार खलकों से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ पर बैठे थे, और उनमें से सिर्फ एक ने बोला है कि थीफ जो है वो बच गया है, तीन ने नहीं बोला है. द फोर ऑफ देम वर देयर, हालांकि वहाँ पर चारों मौजूद थे, और देयर अबाउट द ओनली वन स्पीक्स ऑफ अ थीफ बींग सेव्ड. और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देयर अबाउट, इर्द गिर्द पर और भी लोग थे और वो पादरी भी थे तीनों, लेकिन सिर्फ एक पादरी ने ये कहा है कि एक सीफ थीफ को बचा लिया गया. पॉज, स्टॉप हो जाता है. कम ऑन, इधर आओ. गो गो, रिटर्न द बॉल, जवाब दो मुझे. कैन यू, जवाब नहीं दे सकते. वंस इन अ वे, अगर इसी तरह से हो. ये क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं वो चर्च पे, और मुख्तलिफ रायों पे भी कर रहा है क्रिटिसिज्म. होता भी यही है कि जब ये मज़हब की कोई किताब ट्रांसलेट होती है तो उसके डिफरेंट किस्म की ट्रांसलेशन में, डिफरेंट किस्म के लहजे में, और डिफरेंट इलाकाई जो है बातों के साथ, उसमें काफ़ी तब्दीलियां आती हैं. हम लोग अगर अपने बुक को देखते हैं, कुरान पाक को, तो इसकी तब्दीली इसलिए नहीं आती कि अरबी को हमने साथ रखा होता है, और चूंकि इसका वर्जन भी कुछ पुराना ही है तो वो ज़ुबान भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इन्होंने इसको इंग्लिश में किया, और इंग्लिश के बाद ये डिफरेंट ज़ुबानों में जब निकली है तो फिर उसमें कुछ इनके आपस में इख्तलाफात हैं. ये उन पर खुद ही क्रिटिसाइज कर रहा है. एस्ट्रागन गहला विद एक्सीजरेटेड एंथुसियासम, अब वो बड़ी जोश के साथ वो शोही सी मारता है, एक्सीजरेटेड करता है. आई फाइंड दिस रियली मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्टिंग, मैंने पाया है इसे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प. ये आयरनी है, हालांकि वो इसमें दिलचस्पी बिल्कुल नहीं ले रहा. टोटल ये आयरनिकल सेंटेंस उसने यूज़ किया है. मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी महसूस हो रही है. व्लादिमीर, वन आउट ऑफ फोर, एक उन चारों में से, यानी उन चारों में से सिर्फ एक जो था वो कहता है. चार कौन थे? चार पादरी थे. चारों पादरियों में से सिर्फ एक पादरी का ये बयान है. ऑफ द अदर थ्री, और जो जो दूसरे थ्री हैं, टू डोंट मैंशन एनी थीव्स एट ऑल, दो ने तो जिक्र ही नहीं किया किसी थीव का. दो तो कहते हैं कोई थीव की कहानी है ही नहीं. एंड द थर्ड से डैट बोथ ऑफ देम अब्यूज्ड हिम, और जो तीसरा है वो कहता है दोनों ही जहन्नमी थे, दोनों ही चोर थे, दोनों ही नहीं क्राइस्ट को अब्यूज़ किया था, दोनों ही दोज़ख में गए. एस्ट्रागन कहता है हु, कौन? व्लादिमीर, व्हाट? मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही. कहता है व्हाट्स ऑल दिस अबाउट, तुम किसके बारे में मुझे स्टोरी बता रहे हो? किसकी स्टोरी बता रहे हो? अब्यूज्ड हु, किसने गाली दी? व्लादिमीर, द सेवियर, उन्होंने सेवियर को गाली दी. अबला एस्ट्रागन, वाई, क्यों गाली दी? बिकॉज ही वुडंट सेव देम, उसने गाली दी क्योंकि सेवियर ने, निजात दहिंदे ने उनको महफूज नहीं किया, उनको जहन्नम से बचाया नहीं. अगर एस्ट्रागन, ओके, फ्रॉम हेल, उन्हें दोज़ख़ से नहीं बचाया, इसी वजह से उन्हें उससे जो है गाली दी. इन बिसाइल फ्रॉम डेथ, बेवकूफ़ इंसान, मौत से नहीं बचाया. दोज़ख़ और जन्नत का तो बाद में फैसला होएगा, पहले तो सेवियर ने उन्हें मौत से ही नहीं बचाया. आई थॉट यू सेड हेल, मुझे तो लगा तुमने कहा था कि हेल से नहीं बचाया. कहता है व्लादिमीर, फ्रॉम डेथ, मौत से नहीं बचाया. फ्रॉम डेथ, मौत से नहीं बचाया. वेल व्हाट ऑफ इट, हाँ तो फिर क्या हुआ? तो इससे क्या साबित करना चाहते हो तुम? व्हाट अबाउट इट, क्या इसके बाद की बात है? देन द टू ऑफ देम मस्ट हैव बीन डैम्ड. व्लादिमीर का कहना है कि तो फिर दोनों को ही जहन्नमी होना चाहिए था. मस्ट हैव बीन डैम्ड, दोनों को ही जहन्नम में जाना चाहिए था. एस्ट्रागन, एंड व्हाई नॉट, तो फिर गए क्यों नहीं? एस्ट्रागन का क्वेश्चन वही है कि वो गए क्यों नहीं. व्लादिमीर, बट वन ऑफ द फोर सेज दैट वन ऑफ द टू वाज सेव्ड, लेकिन उनमें से एक पादरी कहता है कि उनमें से एक चोर जो है वो बचा लिया गया, वो बच गया. एस्ट्रागन अब कहेगा, वेल तो दे डोंट एग्री, एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट. तुम बताना चाहते हो कि वो दोनों इस मामले में उनकी राय सेम नहीं थी? यही है इस मैटर का कोई एंड? यही बताना चाहते हो तुम मुझे? व्लादिमीर,
बट ऑल फोर वर देयर, लेकिन वहां पर तो वो चारों ही थे। एंड ओनली वन स्पीक्स ऑफ द थीफ बीइंग सेव्ड, और सिर्फ एक पादरी कहता है कि चोर बचा लिया गया। वाई बिलीव हिम रेदर देन द अदर्स, और हम भी देखो, हम लोग भी ऐसे हैं कि वो उस एक की बात पर यकीन कर रहे हैं बजाय इसके कि वो तीनों की बात पर यकीन करे। एस्टागन, हु बिलीव्स हिम, बताओ ना जरा, उस पर यकीन कौन रखता है? हाँ, एस्टागन, एवरीबॉडी, व्लादिमीर कह रहा है, एवरीबॉडी, हर कोई उस पर यकीन रखता है। इट इज ओनली वर्जन दे हैव ना, दे हैव नो, और यही उनके पास वर्जन रह गया है, यही शक्ल रह गई है जिसमें ये बात यकीनी तौर पर है, और इसी वर्जन को ज्यादा फैलाया हुआ, यानी यही किताब ज्यादा सामने आ रही है, लोग इस पे यकीन रख रहे हैं। अब एस्ट्रागोन ने जो लोगों पे तनकीद कर दी है, ये राइटर ने एस्ट्रागोन के मुंह से निकलवा दिया। फिर पीपल आर ब्लडी इग्नोरेंट एप्स, एप्स होते हैं वो बंदर जैसे, इग्नोरेंट जाहिल, और ब्लडी गाली दे रहा है कि लोग जो है ना वो बड़े बदतमीज गंदे जाहिल हैं। ही रेज इज पेनफुली, उठता है, एस्ट्रागोन खड़ा हो गया, गोज लिम्पिंग टू एक्सट्रीम लेफ्ट, लंगड़ाते हुए वो लेफ्ट की तरफ जाता है, हॉल्ट्स, रुक जाता है, गेज इन टू डिस्टेंस, दूर से जो है नजर डालने की कोशिश करता है, डिस्टेंस ऑफ, दूर से देखता है, एंड विद हिज स्क्रीमिंग आईज, और अपनी आंखों को साफ करता है, अपनी आंखों को साफ करके देखना चाह रहा है, टर्न से मुड़ता है, गोस टू एक्सट्रीम राइट, राइट की तरफ हो जाता है, गेज इन टू डिस्टेंस, दूर से देखता है, व्लादिमीर वॉचेस हिम, व्लादिमीर उसे देख रहा है, देन गोस, व्लादिमीर फिर चलता है, एंड पिक्स अप द बूट, उसके बूट पकड़ लेता है, फिर इन टू इट, उसके अंदर देखता है, एंड ड्रॉप्स इट हेजिटली, और उसे जल्दी से नीचे गिरा देता है। व्लादिमीर कहता है, गंदी खुशबू, उसने एकदम से जूते पकड़े हैं, जूतों को स्मेल किया है, उसे स्मेल अच्छी नहीं लगे, और उसने इजहार किया है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। आप, ही स्पिट्स, वो थूकता है, एस्ट्रागोन मूव्स टू एंटर सेंटर, एस्ट्रागोन सेंटर की तरफ चला जाता है, हॉल से रुकता है, विथ हिज बैक टू ऑडिटोरियम, और अपनी बैग जो है ऑडिटोरियम की तरफ कर देता है, यानी लोगों की तरफ अपनी बैग करके कहता है, एस्ट्रागोन की बात हो रही है, चार्मिंग स्पोर्ट, बड़ी अच्छी जगह है, ही टर्न्स एडवांस टू फ्रंट, वो फिर आगे की तरफ बढ़ता है, हॉल से रुक जाता है, फेसिंग ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम को फेस करता है, इंस्पायरिंग प्रोस्पेक्ट्स, अब लोगों को देख के कह रहा है कि बड़ा ही दिलचस्प मंजर है, क्योंकि हॉल फुल है, लोग इसे देख रहे हैं, तो साथ में लोगों को भी अपने साथ शामिल कर रहा है। ही टर्न्स टू व्लादिमीर, व्लादिमीर की तरफ मुड़ता है, लेट्स गो, व्लादिमीर, वी कैंट, ये जो बात है, लेट्स गो, वी कैंट, एंड एस्ट्रागोन का वाई नोट, और व्लादिमीर का वी आर वेटिंग फॉर गॉडो, ये जो अभी पहली मर्तबा आया है, और ये चार लाइनें इस प्ले में बहुत मर्तबा आएंगे, और इनको काउंट करते जाएंगे साथ साथ, ये कितनी मर्तबा आई हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल, और इसकी बाकी जो है वो कल लेके आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।